अलीगढ़ क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहे विवादों में इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामले में कोतवाली इगलास के गांव साथीनी के एक शख्स को कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा चलाने की कोशिश की। मामले में शिव कुमार पिता गर्राज को कुछ लोगों के द्वारा जिंदा जलाने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने का आरोप लगाया गया है। मामले से जुड़े एक शख्स अरुण ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका जमीनी मामले को लेकर किसी से विवाद चल रहा है। मामला बीती दोपहर का है, जब पुलिस कर्मियों को सूचना मिली कि साथीनी गाँव में एक युवक को जिंदा जलाया जा रहा है। तभी तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस कर्मियों ने 5 मिनट में मौके पर जाकर देखा तो गांव में पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। साथ ही अचेत अवस्था में एक युवक गली में जली अवस्था में पड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस कर्मियों के द्वारा पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र इगलास पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह करीब 50% जल चुका है, लेकिन खतरे से बाहर है। फिलहाल पीड़ित को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वहीं उक्त मामले पर SP ग्रामीण अतुल शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। जाँच कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 70 पे 38-44 इवेंट आया था कि हत्या का प्रयास, आग से जलाने की सूचना थी आदमी का। हम लोग 5 मिनट में वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद देखा तो अजल अवस्था में था। हमने उसे तुरंत गाड़ी में रख के और इगलास CSC इगलास लेकर आए। SC 384 अवधेश कुमार, कांस्टेबल 1366 विदेश कुमार, आरक्षी चालक सभी कैमरा। शिव कुमार नाम से पेशेंट आया था जिसके पिताजी का नाम गिरिराज है और साथनी गांव से आया हुआ था। उसके बेटे ने यह बताया कि किसी ने उसको जला दिया गया है। तो हमारे द्वारा हमारे यहाँ बर्न वार्ड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने उसकी ड्रेसिंग करा के उसको ट्रीटमेंट दे के अलीगढ़ रेफर कर दिया। वहीं उसका मेडिकल होगा और वहीं उसका फर्दर ट्रीटमेंट होगा। और वैसे तो स्टेबल है, उसका BP वगैरह और पल्स वगैरह ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा करीब बर्न है।